नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में एक नई बीमारी और कोरोना पेशेंट्स के अंदर दिख रही है। अमूमन जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनकी आंखों में एक फंगस की शिकायतें आ रही हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है, लोगों में ये एक नई शिकायत, एक नई बीमारी कैसे लोगों में आ रही है, इसको लेकर हमने बात किया IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो गुरुग्राम के प्रधान रह चुके हैं डॉक्टर नरेश शर्मा, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ वो लाइव जुड़ रहे हैं और आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना पेशेंट है इनके अंदर जो ये शिकायतें आ रही हैं फंगस की, आखिर ये क्या है और इसका वजह क्या है? सुशील जी, आपका जैसा प्रश्न है कि कोविड पेशेंट्स में जो म्यूकर माइकोसिस नाम से एक बीमारी है वो एकाएक वो इतनी संख्या में क्यों बढ़ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और खासकर अपने देश के संदर्भ में। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो ये अप्रैल में महामारी कोविड-19 का सेकेंड वेव जो शुरू हुई है, इसके लिए सही मायने में हमारा देश किसी भी स्तर की बात करें, चाहे वो प्रशासन की बात करें, चाहे मेडिकल स्तर की बात करें, चाहे हमारी आम जनता की बात करें या राजनीतिक स्तर पर बात करें, कहीं पर भी हमारी तैयारियां नहीं थी और इसलिए एकदम से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। ये मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल TV पे दिखे, सोशल मीडिया पे दिखे, हर जगह इंसान रोड पर कहीं इधर उधर से ऑक्सीजन और एक सिलेंडर की दौड़ में इधर उधर घूम रहा है। और जो ये म्यूकर माइकोसिस फंगल डिजीज, बिल्कुल सही कहा, और इस फंगल डिजीज के लिए कारण है, वो एक कारण तो ये होता है कि जो कोविड पेशेंट्स में जब 6th day, 5th day ऑनवर्ड्स जब चेस्ट में डिजीज चला जाता है और उस टाइम एकदम से जो चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं उसको सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स लोगों को एक स्टीरोइड इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें काफी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और साथ में कुछ अन्य ड्रग्स भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। मतलब ये एक कारण है कि इम्यूनिटी को हमने स्टीरोइड और दूसरी ड्रग से सप्रेस किया। साथ में कुछ मरीज जिनको डायबिटीज या प्री एग्जिस्टिंग ऐसे डिजीज है जो वो भी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स टारगेट बन जाते हैं इस प्रकार की ये फंगल इन्फेक्शन की। अब बात आती है कि ये फंगल इन्फेक्शन आया कहाँ से। देखिए, मैं अन्य कारणों की बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन इसके अलावा जो मेरी नज़र में एक और कारण है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए, वो कारण है जो ये इधर उधर से अरेंज किए गए सिलेंडर, कहीं कोई इंडस्ट्री से, कहीं कोई फैक्ट्री से, कहीं कोई कबाड़ से, कहीं बिल्कुल, कोई स्क्रैप से जो ये सिलेंडर्स लाके इस अचानक से ऑक्सीजन के इस्तेमाल में यूज किए जाने लगे, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है फंगस का, क्योंकि इन सिलेंडर्स में फंगल स्पोर्स अंदर इनके अंदर पड़ा रह सकता है जो एकाएक अब ऑक्सीजन के तौर पे इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आखिर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मैं चाहूंगा चूंकि मेरे दर्शकों को भी, जो लोग हैं जो देख रहे हैं, उन्हें भी उनके जहन में सवाल होगा, चूंकि आजकल ऑक्सीजन का ये मामला काफी आगे चल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार ने भी, जो कंपनी है, कंपनी में जो ऑक्सीजन से, इंडस्ट्री में जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से काम हो रहा था, उन पर भी रोक लगा दी है और उनको भी मेडिकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं, मेरे जहन में ये है कि क्या वास्तव में जो मेडिकल टर्म्स के लिए या अस्पतालों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है और जो कंपनियों के लिए यूज होता है, क्या इन दोनों सिलेंडरों में कोई अंतर है, दोनों ऑक्सीजन में कोई अंतर होता है या फिर दोनों सेम होता है? कि पहले हम अपने हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे, हालांकि ये पहले भी मैंने देखा TV के माध्यम से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्री यूज ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों की कंसंट्रेशन 98-99% से ऊपर होती है। पर मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा
कि जो हमारी मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट होती है या उसको तैयार किया जाता है या सिलेंडर्स फिल किए जाते हैं, उसमें स्टरिलिटी का इन्फेक्शन से बचने के लिए स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पर इंडस्ट्रियल यूज ऑक्सीजन के लिए मुझे कहीं न कहीं डाउट है जी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कोविड पेशेंट्स में जो स्टीरोइड और जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स इस्तेमाल होने से, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा इस्तेमाल इसलिए करनी पड़ती है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल करने से जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या मेडिकली डेबिलिटेटेड डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, जैसे शुगर का होना, उन पेशेंट्स के अंदर वो प्रोन हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए, और फंगस के जैसे सोर्स मैंने बताया, ये इस तरह के सिलेंडर या इस तरह का गैस जो इस्तेमाल एकदम से इस्तेमाल शुरू हुआ है, इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि इसकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आखिर डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि आपने जैसा कहा कि जो दोनों सिलेंडर्स हैं नमी हो जाती हैं और नमी की वजह से, या जो अभी आप कारण आपने बताया, आखिर इसकी रोकथाम के उपाय क्या है, क्या सरकार को भी इसमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालें। तो अब आपका दूसरा जो सवाल है कि इसके ऊपर कैसे रोकथाम की जाए, क्या बचाव कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये कहना चाहूँगा कि लकीली जो अब जिस तरह से हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि पहले की मात्रा में पेशेंट्स की संख्या कम होती जा रही है, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे जरूर आ रहे हैं जो पहले निग्लेक्टेड रहे या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पाए और वो काफ़ी सीरियस कंडीशंस में हॉस्पिटल्स में पहुँच रहे हैं, पर सोर्स हो सकता है, क्योंकि कम से कम अगर ये जानकारी हमारे पास होगी तो ये इनपुट्स हमें आगे भी इस बीमारी से लड़ने में सहायक होंगे कि हम इन इस तरह के सिलेंडर इकट्ठे ना करके और ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरत पड़ने पे हम इंडस्ट्री से तैयार करवा सके। को काफी आप सलाह देते आए हैं, काफी आप बताते आए हैं, और ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट लोगों का करते हैं, काफी सहयोग कर रहे हैं। एक सवाल और आज भी मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ इस माहौल में जब बिल्कुल कोरोना त्राही त्राही मचा रहा है, कोरोना की वजह से त्राही त्राही लोग हैं, तांडव मचा रहा है, सरेआम मौत का तांडव देखा जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ सलाह देंगे, क्या कुछ अपील करेंगे आप लोगों से भी और पूरी जनता से जो कोविड पॉजिटिव है उन लोगों से? ये अपील विशेषकर देखिए सुशील जी, आपके माध्यम से और आपके मीडिया जगत के लोगों से ही मैं करना चाहूँगा, तो वो है डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। जैसे सिलेंडर्स की बात मैंने कही, वैसे ही देखिए आजकल हम टीवी पे देखते हैं वैक्सीन से रिलेटेड। हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से अगर हम समय से इंतजार करके धीरे धीरे वैक्सीन लगाएं तो शायद इसकी पूर्ति सबको हो जाएगी। समय जरूर लगेगा, और इससे पहले सब लोग इंतजार कर भी रहे थे, लेकिन जो ये टीवी पे एक पैनिक न्यूज़ के तौर पर दिखाया जाता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज, वैक्सीनेशन सेंटर दोपहर एकदम से 10 बजे खुला, दोपहर में बंद हो गया, लोगों की मारा मारी, ये कृपया ना दिखाएं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि एक वैक्सीन का, मैं खुद इसके लिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स की उनकी फैमिलीज ने, या आप जैसे मीडिया जगत से हैं, आप जैसे साथियों ने, बहुत लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है या उनकी फर्स्ट शॉट ही लगा है, सेकेंड लगना बाकी है। तो मैंने खुद ने ये देखा कि वैक्सीन का एक स्लॉट ओपन होता है जी। और उसके अंदर 200-250 वैक्सीनेशन की कैपेसिटी दिखाई जाती है, और अचानक से 2-3 सेकंड्स के अंदर वो एकदम से फिल हो जाता है। तो मेरे को तो इस पर डाउट भी है कि क्या इसमें कोई टैक्स से भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ इसको हाईजेक कर रहे हैं, या पता नहीं क्या टेक्निक अपना रहे हैं कि 2-3 सेकंड में 250-250 के स्लॉट ख़त्म हो रहे हैं। तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और आपसे दोबारा मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ ये मीडिया जगत के लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि सुविधा को दिखाना चाहिए, असुविधा को इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम है कि जिस तरह से अगर हम धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो वैक्सीन सबको लग भी जाएगी, और ये डिमांड एंड सप्लाई का एक वो है, सिस्टम है, कि अगर हम किसी चीज़ को एकदम से उसकी डिमांड को उसकी ज़रूरत को दिखा देंगे तो उसके लिए लोग डेस्परेट हो जाएंगे। तो इस
इसलिए मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि इस तरफ आप मीडिया जगत का ध्यान जरूर जाए। धन्यवाद सुशील जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर नरेश शर्मा जो बता रहे थे कि किस तरह से इस हाल में क्या कुछ करने की आवश्यकता है, और वो जो नए जो पेशेंट्स हैं कोविड पेशेंट्स हैं बहुतों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बहुतों में ये लक्षण देखे जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करें। और हम आपसे भी लास्ट में अपील यही करेंगे कि आप भी इस कोरोना को हल्के में ना लें और एहतियात बरतें। इसका एक ही इलाज है कि जो भी गाइडलाइन सरकार की है, जो भी आपका डॉक्टर कह रहा है, उसको आप बिल्कुल उसे फॉलो करें और वो बातें माने। और कहते हैं ना कि दवाई भी कड़ाई भी, और इससे इसी दो से अगर जितना आप अपने आप को कैद रखेंगे, महफूज रखेंगे, उतना ही आप महफूज रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।